सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। गुरप्रीत सिंह हरिनौ के कतल के विच अमृतपाल सिंह का नाम आने तो बाद जदों चर्चा चल रही थी कि अमृतपाल नूं इस मामले के विच नामजद कर लिया गया है, तो हुण उसके पिता का बयान सामने आया है। एम पी अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह दे वल्लों अमृतसर दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, तो अपने पुत्र के उपर लगे हुए इल्जामों नूं बेबुनियाद दसिया गया है। वह कह रहे हैं कि एक घटना घड़ी जा रही है, एजेंसियों के वलों जिहे इल्जाम उन्होंने वलों लगाए जा रहे हैं। दस कि अमृतपाल सिंह असाम की डिब्रूगढ़ जेल के विच बंद हैगे ने, तो उन्होंने उपर इल्जाम ने कि उन्होंने इशारे के उपर गुरप्रीत सिंह का कतल होया है, जिस तों बाद इस मामले के विच पुलिस के वलों जांच की जा रही है। तो एम पी अमृतपाल सिंह इस मामले के विच नामजद किया होया है। हालांकि परिवार इस इल्जामों नूं बेबुनियाद दस रहा हैगा, तो आओ सुनते हैं कि परिवार के वलों इन्हां इल्जामों नूं नकारते हुए कि कुछ कहा जा रहा है। प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कुछ इल्जाम अमृतपाल ते लाए गए, उन्होंने असं स्पष्टीकरण देने वास्ते ये सारा प्रैस तुहानूं बुलाया गया वा। ये चीज़ है कि वो जिहड़ा गुरप्रीत सिंह हरिनौ का कतल होया, उहदे वास्ते सानूं बहुत अफसोस भी आ, तो उहदे परिवार नाल पूर्ण हमदर्दी भी आ। तो इस करके मैं सोचदा कि उहदे जिहड़ी कतल की जाँच आ, किसी सिटिंग जज तो एक निरपक्ष होनी चाहिए। उन्हें पुलिस को जज नहीं बनाना चाहिए सरकार को, कि पुलिस जिन्हों मर्जी वो जोड़ दे। तो कुछ मैं उस केस के नाल जो संबंधित उन्होंने परिवार परिवार के दुआले जोड़ा घेरा वा कुछ बंद, मैं सोचता कि उन्होंने भी प्रोपर जाँच होनी चाहिए है कि वह पंथ के नाते भरा मारू जंग उत्साहित कर रहे हैं। तो आने वाले समय से मेरा ख्याल है कि यदा जे असी सारे जने ना सचेत होए तो साड़ी कौम में बहुत वड्डा खमियाजा भुगतना पै सकता, क्योंकि पिछले समय से भी आपां 84 का दौर वेख्या, उदों बाद भी देखिया कि सरकारां जां पुलिस जिहड़ी आ अपने कुछ करिंदियां राहीं कुछ अपने सिस्टम राहीं वो जिहड़ा भी कोई पंजाब जिहड़ा अपने कौम के हक की जो अपने अपनी धरती के हक वास्ते कोई अपने पानी की जां कोई भी गल करता उन्हों किसी ना किसी तरीके अलझाउण की कोशिश की जाती है। तो वह कुछ मेरा ख्याल है कि अमृतपाल ने वापर रहा। एक जिहड़ा अमृतपाल ने आ जिहड़ी लोक सभा सीट जित ली आ, मेरा ख्याल है कि वह भी साडे सिस्टम नूं हजम नहीं हो रही, उहदे वास्ते भी कोई ना कोई परापे कंडा करके उन्हां लोकां दीआं नज़रां चोदन दी करदास कुरशी करन वास्ते वध तों वध जतन किया जा रहा, वध तों वध बंदियां नूं उत्साहित किया जा रहा, उन्हां नूं प्रमोट किया जा रहा, अमृतपाल दे समर्थकां नूं दिन रात परेशान किया जा रहा, उन्हां ते कते NIA दीआं रेडां पवाईआं जा रहीयां, कदे कुछ किया जा रहा, तो उहदी किरदार कुशी करन दी बहुत वड्डी पद्धर ते मतलब इह कोशिश की जा रही है, जिहदी असीं सख्त शब्दां च निंदा करदे हां कि इह नहीं होना चाहिए। असीं इहदे वास्ते अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं भी अपील करदे हां कि जो कौम च भरा मारू जंग दा माहौल सिरजिया जा रहा, उहदे वास्ते तुसीं भी अपने तौर ते कोई एक निरपक्ष कोई जिहड़े अपने रिटायर जज दी कोई अगवाई च इस केस दी भी जिहड़ी आ कि इनकुआरी करके तो दुध का दुध पानी का पानी किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय च नहीं तो ये साड़ी कौम का बहुत वड्डा नुकसान हो सकता। तो ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां जो ये बरतान सिरजिया जा रहा, ये देखो जी ये वास्ते साड़ी कौम नूं देशां विदेशां च भी बदनाम करन दी बहुत वड्डी कोशिश की जा रही आ, बाहर कतल करवाए जा रहे आ, उहदा जिहड़ा कि हुण सारा कुछ नंगा भी हो चुका है। एजेंसियां किदां काम कर रही, जे विदेशों जाके साडे सिखां नूं मारिया जा सकता तो इत्थे रह के तो कोई वड्डी गल नहीं, क्यों इत्थे सारा तंत्र ही उन्हां दे हत्थ च है। इस करके असीं यह चाहुंदे हां कि सरकार नूं भी असीं अपील करदे हां कि लोकां ने तुहानूं अपनी हिफाजत वास्ते चुणिया सी, ना कि तुसीं लोकां दे कतल हुंदे खामोश हो के वेखदे रहो। ये जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां कि लॉ अंडर द आर्डर की जिहड़ी स्थिति है बहुत पंजाब की बड़ी माड़ी हालत आ। जिस दिन गुरप्रीत सिंह हरिनौ का कतल हुंदा उदों इलैक्शन का टाइम से पंजाब पंचायत इलैक्शन का, तो वो वास्ते जिहड़े भी आम लोगों को हथियार से सारे जमा करवाए गए थे, तो उदन एक बड़ा जिहड़ा कोई सर्च ऑपरेशन भी पूरे पंजाब चलाया जा रहा है, उदन ही कतल हो जाना मेरा ख्याल पंजाब पुलिस की सब तो वड्डी नाकामी है। तो जो DGP साहब अपनी जिम्मेवारी तो भजदे होए भी वो जिहड़ी कि जिम्मेवारी मेरे ख्याल कतल का केस तो वह उन्होंने उपर दखल दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप एडा वड्डा दावा करते हैं। तो उन्होंने जो पता सीगा कि गुरप्रीत हरिनौ नूं पहला भी उन्होंने इंटैलीजेंस तो रिपोर्ट सी कि उन्होंने कोई थ्रैट आ, तो उन्होंने हिफाजत की जानी चाहिए सी। वो मरण तो बाद जो कुछ किया जा रहा उन्होंने एक तरफा अपने वालों वो अमृतपाल ने जोड़ना, अमृतपाल तुहाडे सामने पता कि उन्होंने 1.5 साल हो गया वो जेल च बैठे, वो जेल भी हाई सिक्योरिटी जेल आ,
तो उत्थे सानू जाण वास्ते भी बड़ियां परेशानियां दा सामना करना पैंदा, किन्नियां चैकिंग चों लंघ के जाणा पैंदा। उत्थे रह के भी वह बंदा जे इहो जे करते, मेरे ख्याल सिस्टम का सारा फेलियर आ। इस करके सरकार अपनी जिम्मेवारी तो ना भजे, वो अपनी जिम्मेवारी निभावे, लोगों की जान माल की हिफाजत करे, ये जिहड़ा उहदा मुढ़ला फर्ज आ। बाकी होर इत्थे पंजाब दे जिद्दां दे हालात होए पए आ, वो सारे नूं पता कि इत्थे दिन दिहाड़े कतल हो जांदे आ। व्यापारियों को, आम लोगों को, जेड़े भी कोई सरदे पुजदे थोड़े बहुते आ, उन्हां को फरौतियां मंगियां जा रही, तो सरकार खामोश बैठी है। लोगों की जिंदगी जिहड़ी बड़ी दुब्बर होई है जीना है, लोग पंजाब छड्ड के जाण नूं तैयार आ। इस करके मेरा ख्याल है कि ये जिहड़े सारियां चीज़ां जिहड़ियां अपने जिहड़े सरकार का फेलियर आ, पुलिस का फेलियर आ, इहदे च ना ते अजे तक बेअदबी दे दोषी लब्भे इन्हां नूं, ना इन्हां नूं नंगल अंबियां दे लब्भे, ना मूसे वाले दे लब्भे। तो ये इन्होंने बड़ी छेती ना अमृतपाल नूं लिया के ते बड़ी छेती इंसाफ कर दिता। ये मेरा ख्याल है कि लोग इस चीज़ नूं सारे समझदे आ कि ये पुलिस जिहड़ी पुलिस का पहलों तो रिकॉर्ड आ कि पहला डी जी पी साहब का झूठ बोलन का, वो जो लारेंस बिश्रोई की इंटरव्यू हुई सी तो उदों मनदे नहीं सी कि साडे पंजाब च होई आ। तो उदों बाद सारा कुछ सामने आ गया, तो हाई कोर्ट च जाके भी ये सारिया चीज़ा उन्होंने उत्थे जाके पेश होना पै रहा। इस करके मेरा ख्याल है कि जिहड़े पुलिस की कारगुजारी आ, जिहड़े लंबे समय तो वो लोगों का पुलिस से कोई पुलिस तो लोग डर रहे हैं, खौफ ज़्यादा वा। पुलिस जिहड़ा किसी इंसाफ दे के नहीं राजी, सगों लोगों डरा धमका के उन्होंने अपने घर च वाड़ के, जो कोई सच की कोई इंसाफ की मंग करता तो वो धक्का करके वो ये सारिया चीज़ों लोगों चुप कराने का ये जिहड़ा ये रस्ता वा। ये मेरा ख्याल है कि ये भगवंत मान साहब नूं असीं बेनती करते हैं कि तुसीं, तुहानूं लोगों ने बहुत वड्डी जिम्मेवारी दित्ती सी, पर तुसीं, मेरा ख्याल है कि हर फ्रंट ते सरकार फेल आ। ये सब तो जरूरी तो ये लोगों की जान माल दी सी, जिद भी तुसीं वो करन च भी समर्थ आ। इस करके जे पिछले जो अमृतपाल नूं मेरे ख्याल जेल च डकना तो उदां डक छड्डो, कोई गल नहीं, कोई एडी वड्डी गल नहीं, पर लोगों के कतल ना कराओ। लोगों के कतल, लोगों दी धीए पुत मार के उन्होंने उपर पाउण की जिहड़ी साजिश आ, ये जिहड़ी मेरे ख्याल है कि बहुत ही गलत आ। उहदी असीं सख्त शब्दां नाल निखेधी करदे आ। कोई भी मरन वाला जो पंजाब दा वा, साडा ही धी पुत आ, साडा भैण भरा वा। इस करके असीं चाहुंदे आ कि पंजाब तो सुख शांति का माहौल बनिया रहे, सारे भाईचारे आपस मिल के रहन, साडी इहो ही कामना वा। साडी किसी नूं भी अमृतपाल दे बहुत विरोधी हो सकदे, तां असीं किनू किनू अमृतपाल मार सकदा। इस करके इहो जिहे विचारां दा विखरेवां होणा, मतभेद होणे, उह वक्खरी गल आ, पर इहो जी गलत हरकत दी असीं सख्त शब्दां नाल निखेधी करदे आ। तो उहदी उच्च पदरी जाँच मेरा ख्याल है कोई हाई कोर्ट दा जां अकाल तख्त साहिब दी अगवाई च मैं सोचदा कि होनी चाहीदी आ, जो निरपक्ष हो सके। तो ये जिहड़ियां मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ां जिहड़ियां असीं जो 29 तरीक नूं एक अरदास बेनती की सी एक नवी पार्टी बनाने वास्ते, वो तो ही मेरा ख्याल कुछ लोगों काफ़ी तकलीफ है। तो वो सारे हथ कंडे वरत के साडे परिवार की किरदार कुशी करन दी बहुत वड्डे पदर ते जतन किए जा रहे हैं। तो ये जिहड़े मेरा ख्याल है कि पंजाब के भविखली सिख पंथ के भविखली भी मेरा ख्याल बहुत माड़ी ये गल आ। इस करके सारियां नूं दोबारा, सारे राजनीतिक लोगों नूं, सारे धार्मिक लोगों नूं असीं अपील करदे हां कि सारे आपां मिलजुल के ये पंजाब नूं एक साफ सुथरा एक चंगा माहौल दईए कि जिस हरेक बंदा अपने सुख शांति नाल जी सके, अपना कोई कारोबार कर सके। ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਫ ਸੁਚੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
हूँ उन्हों की 21 तरीक 23 तरीक आ हाई कोर्ट च उत्थे भी मेरे ख्याल यहोजे प्रूफ पेश किए जाएंगे जी वो इतने जो बाहर आता तो बहुत खतरा हो सकता उन्होंने लम्मा टम्मा जेल च रखण की इन्हों राजनीतिक लोगों मेरे ख्याल वो अपन कुर्सियों का डर आ इस करके वो सारा ये जो वरतान सिरजा जा रहा नहीं ये चीज़ है कि असी खालसा राज की मंग करते हैं जो सारे भाईचारे असी पंजाब के वध अधिकारां दी वध हक्कां दी उहदे च जे वध पंजाब खुशहाल हो चे हिंदुआं नूं भी उहदा फायदा होगा उहदे च जिहड़े रहण वाले मुसलमानां नूं फायदा हो जे हुण जिहो जिहे हालात बने पए आ नशियां नाल लोक मर रहे उहदे च हिंदुआं दे बच्चे भी बाहर नहीं रहणगे मुसलमानों के भी नहीं रहेंगे क्रिश्चना के भी नहीं रहेंगे ये सारे वास्ते असी तो कहने कि कोई ऐसो जहाँ राज जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह ने सारे दे नाल मिल के उहदे च बहुत बड़े बड़े उहदे हिंदू लोगों को भी सीगे हिंदू भाईचारे कोल सी मुसलमानों कोल सी बड़े प्यार नाल वो चीज़ चली असी तो उदा दी इहो जी कामना करते हैं कि इहो नहीं ये चीज़ है कि हम तुम देखो कि कोषाध्यक्ष उदों से हैगा उदों बाद अमृतसर तो अमृतपाल 1.5 साल हो गया अंदर बैठे उदों बाद जिहड़ा कि वो यह जी चीज़ा अमृतपाल तो जोड़न का कोई तुक ही नहीं बनती जो उदो कुछ उन्होंने होगा भी कोई उपर थले कोई गल हो गई तो वो उदों ही हो जानी चाहिए सी जां उदों ही ये छड के जां उस टाइम ते मेरा ख्याल 18 तरीक तक अमृतपाल जिहड़ा 18 मार्च 2023 जो ऑपरेशन होया उदों तक गुरप्रीत भी ठीक सी उदों तक कोई इहो जी इल्जामबाजी नहीं सी उदों बाद च जेल च अंदर ज उन्हों जदों फड़िया गया उदों 2-3 दिन बाद च छुट के आने बाद ज़्यादा उन्होंने भी अमृतपाल दे जां उन्हां दे साथियों के खिलाफ मोर्चा खोलिया ऑडियो दे रहे थे वो जिम्मेवारी लै रहे कि जे वो लै रहा तो फिर अमृतपाल क्यों जोड़िया जा रहा वो ये तो मेरे ख्याल वो कह रहा ना भी मैं किया तो ठीक है कि उन्होंने पहला भी आप जो गोल्डी बराड ने मूसे वाले का कतल किया उदों भी बड़ा कुछ होया ये निकलता तो मुड़ के मेरे ख्याल है कि सारा कुछ इन्हों कतलों छुपाने की खत्म करने की जी है कि यहाँ इंसाफ कभी भी बाहर ना सके योजना कहानियां रचिया जा जी तुम देखो कि लारस बरसों से इंटरव्यू हुई वो मुकर गए जी पंजाब हो ही नहीं उदू बाद सारा कुछ क्लीयर हो गया तुम सारे पता कि वो भी यह पंजाब हो ही है तो इस करके मेरा ख्याल है कि उन्होंने वास्ते एडी उन्होंने विश्वास जो उन्होंने विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो कहे वो सच ही होगा मेरा ख्याल है कि इस मामले पुलिस को जज बनने की लोड़ नहीं सी पुलिस ठीक असी तो यही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सरकार हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज तो यदि इनकुआरी करावे जो भी ये मेरा ख्याल है कि सच सामने आजूगा कि ये बाकी असं अकाल तख्त के जथेदार नूं अपील करते हैं कि इस मामले वो दखलअंदाजी देख के जी भरा मारू जंग एजेंसियों वालों स्टेट वालों शुरू करने की कोशिश की जा रही है उन्होंने रोक लाई जा मेरा ख्याल है कि कुछ पंथक साढ़े जड़े कोई आगू भी आ उन्होंने भी इस चीज़ की पहले तो भी कुछ तकलीफ सी शायद उन्होंने इतने आने उन्होंने जितने नाल कई चीज़ों कई बहुत कुछ सीगा ठीक है कि मैं सोचता कि उन्होंने भी अपने ये मौके पर बोलन की लोड़ आ जो सच का साथ देने की असं पूरे समूह पंजाबियों अपील करते हैं कि इस बेइंसाफी के सामने तुम भी डट के खड़ो क्योंकि ये अज अमृतपाल ना कल किसी ने नाले अपना तो ये ना पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड है पता नहीं कि किस किसी को किदा किहड़े वेले झूठे मुकाबले च मार दिता जाए जां कई 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 सालों तो मेरा ख्याल आ जिहड़े अमृतसर जेल च आ कई बंदे बेचारे दिहाड़ी दप्पा करन वाले उन्होंने फड़ के जेल छड्या 1.5-1.5 साल हो गया उन्हां दी जमानत नहीं दे रहे इत्थे ते कोई कोई कई अपील दलील दी ना ही कोई नहीं नहीं असी तो उन्होंने अपील करा पूरा सिख जगती उन्होंने रहम ना ये मंगता वा तो सारे इतने के वास्ते भी ध्यान दो इतने भी तुम सारी कौम की अगवाई करो इस करके सारे भी जिते भी कोई बेइंसाफी होंगी आ उत्थे तुसीं सारे जने सिंह साहब की श्रोमणी कमेटी की ड्यूटी बनती है कि वो
मेरा ख्याल ये सब तो यो वरदान सरजा जा रहा। एक तो उन्होंने एन एस ए वधाओ, एक सिखा च आपसी कलैश वधाओ तो वो एक दूजे को मारन की हो सकता कल साडे परिवार का भी कोई जी ए किसे वालों मरवा के तो किसी होर दे सिर ते मढ़ दिता जाए तो यदी मैं असी सोचने कि जो कल साडे परिवार का जां किसे होर दा तो ये मेरा डी जी पी की जिम्मेवारी होगी। नहीं असी तो वो परिवार ना पूर्ण हमदर्दी आ असी मैंने सानू लगता है कि कुछ बंद घेरा उन्होंने दुआले आ वह भी बंदे भी कुछ शक के घेरे च तो वह बंदे उन्होंने मेरा ख्याल है कि गलत गाइड करके अपना कोई मंतव पूरा कर रहे हैं। इस करके असं परिवार को कहने कि वह धीरज ना सोचण असी उन्होंने दुख च पूर्ण हमदर्दी सानू तो असी उन्होंने एक दो दिन शायद हो सकता मिलेंगे भी ये चीज़ है कि आप जे आप साढ़े गिले सिक भी कोई हो छोटे मोटे हो सकते हैं पर चीज़ नहीं गी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के इन्ना ही फिर हाजिर होवेंगे, तद तक लिए दो इजाजत, वेखते रहो टीवी पंजाब।